हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपका एक अनदर केबल स्ट्रीमिंग सीरीज की वीडियो में। और आज आप लोगों को पता होगा कि हमारी केबल स्ट्रीमिंग की सीरीज का कंटिन्यू करने वाला हूं मैं ये एपिसोड। और मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग मेगलोसॉरस स्ट्रीम करने वाले हैं, इसका मेगलोसॉरस नाम या फिर जो भी नाम हो। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले तो इसका लेवल कितना भी मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। पिछली बार हमने जो है गाइस स्टीगो टीम किया, फिर उसके बाद स्टीगो के बाद जो गाइस गैलेलियम टीम किया, क्योंकि ये जो पैचिरोसोरस और मंत्रा जो होते हैं गाइस ये जो है केबल से टीम नहीं होते। और फिर उसके बाद आज हम लोग टीम करने वाले हैं गाइस मेगलोसॉरस, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इसका जो लेवल है गाइस 30 है, और इसका जो सैडल हमें मिलेगा वो स्मिथि से ही मिलेगा। तो मैं चलिए चलते हैं, आज हम लोग इसको टेम करते हैं। और मैं क्या करता हूँ, पहले तो गाइस इसका जो है सारी चीज़ें प्रिपरेशन कर लेता हूँ, या एक स्मूदिंग ब्लेम ले लेता हूँ। प्लस यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास स्मूदिंग ब्लेम दिख रहा है गाइस, और हमें थोड़े बहुत नॉर को मेंटेन करने के लिए चीज़ें चाहिए। और इसके अलावा गाइस हमें चाहिए होगा केबल्स, तो केबल्स जो हमारा लगेगा गाइस वो है डिमेट्रोडोन। तो जैसे कि मैंने पिछली बार दिखाया था आपको कि गैलेलियम टेम करने के लिए डिमेट्रोडोन केबल लगेगा, बट यहाँ पे डिमेट्रोडोन का इस केबल नहीं लगेगा, यहाँ पे डिमेफ्रोडोन लगेगा। इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब नॉम वगैरह में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये देखिए ये वाला केबल जो है, एक ये केबल हो गया और एक ये केबल हो गया, तो इनमें से ये वाला केबल हमें लगने वाला है। आपको ये दिख रहा होगा ये वाला जो, देखिए तो इसको मैं ले लेता हूँ जल्दी से। और यहाँ पे सारी प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है, और अभी हमें देखना है कि क्या हमें नॉर्को वगैरह की जरूरत पड़ती है या फिर स्मूदिंग ब्लेम वगैरह देने की जरूरत पड़ती है। ऐसे मैं कोशिश करूँगा विदाउट स्मूदिंग ब्लेम टेम करने की इसको। तो चलिए चलते हैं, और यहाँ पे हमारा आरजे था, आरजे को ले लेते हैं। कहाँ गया हमारा आरजे, हम लोग विदाउट आरजे जाएंगे कैसे? तो सबसे सिंपल तरीका है इस वाले डायनो को खोजने के लिए गाइस कि हम लोग जो है सिंपली जो है रेडवुड में चले जाएँ। ये लोकेशन जो आपको दिखा रहा मैं अभी, देखिएगा ये बीच में जो रेडवुड दिख रहा हमारा, वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं जल्दी से वहाँ पे। और लेट गाइस, तो फाइनली जो है मैं रेडवुड में आ चुका हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, बस सिंपली मेगलोसॉरस को फाउंड करना है और उसे नॉकआउट करके टेम करना है। तो चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे आसपास क्या हमें मेगलोसॉरस मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि जो मेगलोसॉरस है इजी फाइंड कर सकते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा इसी एरिए में, और अक्सर जो है मेगलोसॉरस इसी एरिए में पाए भी जाते हैं। ये बड़े बड़े रेडवुड में इसको एक तरह से रेडवुड कह सकते हैं। ये देखिए सामने की तरफ मुझे मेगलोसॉरस दिख चुके हैं गाइस, और यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिचिंग का प्रॉब्लम है। ये वाले जो पेड़ वगैरह हैं थोड़े से ये जो थोड़े से हैं कि रेंडर नहीं होते जल्दी, दिक्कत ये आती है। और लाइक गाइस, तो यहाँ पे इसका लेवल जो 120 दिख रहा है, मैं चाहता तो ये छोटे वाले को भी टेम कर सकता है, जिसके पास सींग नहीं है। बट मुझे क्या पता है गाइस कि मुझे इसका सींग वाला चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, ये जो सींग इसके बड़े बड़े हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको नॉकआउट करने से पहले गाइस जो है एक बोला जरूर ले लीजिएगा, बोला यूज करिए इसे ट्रैप करने के लिए, और उसके बाद जो है इसको नॉकआउट करना स्टार्ट करिए। हेडशॉट मारेंगे तो ज़्यादा जल्दी नॉकआउट हो जाएगा, अगर आप लोग हेडशॉट नहीं मारेंगे तो ये जल्दी नॉकआउट नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने स्टेटस ऑफ कर रखा है, जिससे दिखाता है कि हमें डैमेज कितना मिल रहा है इसका। तो अभी फिलहाल के लिए आपको दिखा होगा कि मैंने एटलीस्ट 3 एरो मारी टॉक्सिक एरो, जिससे ये नॉकआउट हो गया हमारा। और ये फाइनली जो है नॉकआउट होने के बाद देखिए इसकी टेमिंग इफेक्टनेस बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हुई, 0% टेमिंग इफेक्टनेस ड्रॉप हुई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले गाइस तो देख लेता हूँ कि ये एक कीवर में कितना परसेंट जाता है, फिर उसके बाद देखते हैं। और इसका टॉर्पर वगैरह तो अभी फिलहाल के लिए मेंटेन में है, तो यहाँ पे टोटल 6 कीवर मैंने ले रखा था, और अब हमें क्या करना है, बस वेट करना है ताकि हमें पता चल सके कि यह एक बार में कितना परसेंट जाता है। और साथ ही साथ गाइस मैं बता दूं आपको कि ये सब डायनो जो हैं काफ़ी अच्छे होते हैं डेट वगैरह कलेक्ट करने में, मतलब उतना ज़्यादा खास अच्छे तो नहीं होते, बट आप लोग इसको 100 पीस के लिए रख सकते हैं। अगर ये सब ईरी वाले डायनो होते तो और ज़्यादा अच्छा रहता है इन्हें, देखने वगैरह जो भी कह लें एक तरह से रखने में। तो ये एक बार में 23% जा रहा गाइस, आप लोग समझ सकते होंगे कि 23% बहुत बड़ी बात है, एक तरह से समझ लीजिए इसका लेवल थोड़ा सा लो है, बट यहाँ पे लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर इसका लेवल 100 प्लस है तो मतलब समझ लीजिए एक तरह से अच्छा खासा ही लेवल है इसका। अगर 100 से कम रहता तो शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, बट फिलहाल के इसका लेवल भी मेंटेन में है, जितना हमें चाहिए था उतना है भी। और इसके अलावा आपको दिख रहा होगा कि इसकी टेमिंग इफेक्टनेस बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हो रही, 2 बार कंज्यूम कर गया ये देखिए, और 59 का 59 पड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि गाइस ये टोटल 5 कीबल में टेम हो जाएगा, 2 कीबल में 47% हो गया है, तो 2 कीबल में ये करीब करीब चला जाएगा हमारा 95 या फिर 90 प्लस चला जाएगा, और लास्ट केबल में ये पूरा टेम हो जाएगा। और रहेगी बात इसके टॉर्पर की, तो गाइस इसका टॉर्पर मेंटेन में है, अगर आप लोग ज़्यादा हाई लेवल का टेम कर रहे हैं तो हो सकता है आप लोगों को टॉर्पर मेंटेन करने के लिए इसको बायोटॉक्सिन वगैरह फीड करनी पड़े, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे आपको बायोटॉक्सिन फीड करने की जरूरत नहीं है। सो गाइस यहाँ पे एक स्नेक आ गया था, आप लोगों को ये स्नेक दिख रहा होगा, तो ये थोड़ी सी दिक्कत कर रहा था हमें, इसने हमारी जो टेमिंग इफेक्टनेस थोड़ी सी ड्रॉप करा दी, देखिए 99.9% हो गई, इसकी वजह से 1% की टेमिंग इफेक्टनेस ड्रॉप हो गई मेरी। मैं यहाँ पे नॉकआउट हो गया होता अगर मेरे पास आर्मर अच्छा नहीं रहा होता तब, बट कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको मार दिया है। और यहाँ पे देखिए 95% हो चुका है गाइस, और मैंने टोटल 6 कीबल इसको दिया था, 2 कीबल अभी भी हमारे पास है, और ये फाइनली जो है टेम हो जाएगा। ये लास्ट केबल जा रहा है इसका, 95% हो चुका है, और मैंने अभी तक इसको कोई भी स्मूदिंग ब्लेम वगैरह नहीं दिया है, आपको दिख ही रहा होगा। तो मतलब टोटल इसने 5 केबल लिया और बहुत ज़्यादा स्मूदली तरीके से टेम हो गया हमारा ये।
तो आप लोग भी नेक्स्ट टाइम क्या करिएगा कि यूज करिएगा स्मूथिंग ब्लेम इसको टेम करने के लिए, आई मीन स्मूथिंग ब्लेम कह रहा साथ साथ स्मूथिंग ब्लेम के अलावा किवल्स वगैरह, अगर किवल्स नहीं है तो फिर बैरिस वगैरह टेम करने के लिए यूज करिएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका जो हेल्थ वगैरह भी ठीक ही ठाक है गाइस, 1380 आई मीन इसकी एचपी वगैरह, और साथ साथ इसकी जो मूवमेंट 120 हो चुकी है, और इसके अलावा जो गाइस इसकी मेली डैमेज 332 हो चुकी है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो जो भी हो सब कुछ इसका। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली अपडेट जो है गाइस आप बिल्कुल मिस न कर दें।